हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, इसे हम ओपन वर्क निट पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम स्टीचेस लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 + 3। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। आपको 15 स्टीचेस के पैटर्न में मैं डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप करेंगे, सेकेंड स्टिच को हम सीधा बुनेंगे यानी नीट करेंगे, और थ्रेड को आगे की तरफ करके हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 स्टिच हमने बुन लिया है, और उसके बाद 1 स्टिच को हम सीधा बुनेंगे यानी नीट करेंगे, फिर 5 हम पर्ल बुनेंगे यानी उल्टा बुनेंगे, और लास्ट की 2 स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट में 1 स्टिच स्लिप किया था और 1 सीधा बुना था, सेम उसी तरह हम लास्ट में भी बुन लेंगे। फर्स्ट स्टिच जो लाइन है, इसी तरह हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे, और सेकंड रो की तरह हम फोर्थ रो बनाएंगे। 4 रो के बेस बनाने के बाद ये पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम देखिए, रॉन्ग साइड है, पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं, हमें पीछे की तरफ से फंदे जैसे दिखाई दें वैसे ही हमें बुनना है। देखिए, ये मैंने बुना, और इसके बाद हम इन्हें सीधा बुनेंगे। पहला फंदा हमें ने स्लिप किया, देखिए, और दूसरा फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, हम उल्टा बुनेंगे, और 5 फंदे हमें देखिए सीधे दिख रहे हैं इस तरफ से, इन्हें हम सीधा बुनेंगे यानी नीट करेंगे। फिफ्थ रो में पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा सीधा नेट किया, फिर थ्रेड आगे करके 2 फंदों का 1 करेंगे ये, फिर हम थ्रेड पीछे कर ले रहे हैं, और जो हमारा थर्ड वाली स्टिच है उसके नीचे के तरफ जाएंगे। 4 रो नीचे मींस फर्स्ट रो पे हम 1 लूप निकाल लेंगे, ये देखिए, ये हम 1 लूप निकाले, और उसके बाद आगे वाले फंदे को हमें सीधा बुना, फिर 1 लूप निकाल लिया। 2 लूप निकालना, बीच में सीधा बुनना है, लूप हमें ढीला रखना है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ आएंगे और 2 फंदे देखिए का 1 करेंगे, थ्रेड आगे करके उल्टा बुनना है, फिर थ्रेड पीछे करेंगे, और 1 फंदा जो सीधा हमारा हमेशा रहता है उसे हम सीधा करेंगे। सिर्फ उल्टे फंदों पे ही डिज़ाइन बनेगी, 2 फंदे को 1 करेंगे और थ्रेड पीछे करके सबसे नीचे वाले में हम जाएंगे, थर्ड वाले में अब जाएंगे, थर्ड के फोर्थ रो में, थर्ड स्टिच के फोर्थ रो, ये लूप बनाया, फिर हमने 1 फंदा सीधा बुना, फिर हम 1 लूप और निकालेंगे, क्योंकि 2 फंदे हम कम करते हैं, तो इन 2 फंदों को हमें इस लूप के द्वारा बढ़ा लेना है। फिर देखिए, हम ये उल्टा बुने, 2 फंदों का 1 किया हमने, और लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे।
अब हमारी डिज़ाइन पीछे साइड से जैसे फंदे आपको दिखेंगे वैसे ही बनाना है और 6 रो में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमें पीछे तरफ से एक फंदे को स्लिप किया, उल्टे दिखने वाले फंदे को उल्टा बीना और बाकी 5 फंदों को हम थ्रेड आगे की तरफ करेंगे, मींस आगे अपने तरफ नहीं पीछे की तरफ, और हम बाकी 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3 और 4 ये हो गया और हम अब ये 5वां फंदा भी सीधा बुन लेंगे। 5 फंदे हमने बुन लिए, 2 लूप के द्वारा बढ़े थे और फिर 1 फंदा उल्टा। फिर हम 5 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे की तरफ जब जाएंगे 7, 8, 9, 10 रो सेम ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड रो बनाया है। उन रोज़ को मैं बना लूँगी तब आपको फिर मैं दिखाऊँगी। उसी तरह बनाना है जैसे एक फंदा आपको सीधा और 5 उल्टे बनाने हैं और रॉन्ग साइड से यानी आपको पीछे की तरफ से 5 फंदे सीधे 1 फंदा उल्टा बनाना है। इलेवन रो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और सेकेंड स्टिच को निट करेंगे। फिर सेम उसी तरह करेंगे, हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो 6 रो ही हमें दोहराना है, पर ये मैं नया पैटर्न स्टार्ट होगा इसके ऊपर उसी लिए आपको बता रही हूँ। अब देखिए हम थ्रेड पीछे करेंगे, फिर हमें ये लूप पोर्शन दिख रहा है यहाँ, इसके अंदर से हम डालते हुए देखिए 1 निकालेंगे थ्रेड और यहाँ अटैच करेंगे लूप को। ये हुआ, उसके बाद हम दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इसमें से ही हम सेकेंड लूप को अपने निकाल लेंगे। ये 2 लूप हम निकालेंगे, उसके बाद थ्रेड आगे करके जो ये फंदे हैं 5 में से 2 बचे थे हमारे पास, इन 2 को हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह फिर 6 स्टिच जो हमारी ये वाली है इसे हम सीधा, फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने अपने 5th रो में किया था, उसी तरह हमें इस पैटर्न को बनाना हो। ये देखिए मैंने 11th रो बना ली है और 12th रो हमें सेम उसी तरह बनाना है जैसे मैंने 2nd रो बनाई थी। यहाँ उल्टा 1 स्लिप करके 1 फंदा और 5 फंदे सीधे, सेम उसी तरह करना है हमें रिपीट जैसा मैंने 2nd रो में किया था। फिर हम वही 6 लाइनें सेम उसी तरह रिपीट करते हुए अपने पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्रंट से, अब दिखा दूँ आपको। ये देखिए ऐसे बनेगी ये पैटर्न, ऐसे बनता हुआ आपका पैटर्न चला जाएगा। ये देखिए मैंने बड़ा बनाया है। अगर आपको ये हमारा पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।